सन जो जागरदास मूल मंत्र मैं पहला कहा फरमायशा नहीं मुकद ये जिंदगी मुक जाने ये फरमायशा नहीं मुकदी कभी फरमायश ही है पर मैं कहना कि फिर से कदम सुना देंगे फिर तो मौज है थोड़ी पैगाम वास्ते फरमायश है संगत वालों जिमें हर मजहब के अंदर हालांकि मजहब महापुरशा ने संतान ने कोई मजहब नहीं संतान वास्ते कोई मजहब नहीं क्योंकि रब ने कोई मजहब बनाया नहीं रब ने सात संगत कोई कौम नहीं बनाई रब ने सिर्फ इंसान पैदा किया इंसान ने पता नहीं की कुछ बना दिया बंदे ने आप ही वंडियां पा दी तू हो मैं तू नहीं हाँ तो जबकि संत महापुरश कहते तू ही तू बाबे नानक ने कहा एक ओंकार तो जे उन्होंने ये गल कही है तो फिर सानू भी उतो इलम लै लेना चाहिए ये गल सानू भी गेन कर लेनी चाहिए है ये मजहबा का रौला नहीं है बस एक एक गीत गाया से मैं वो जिन्होंने सुनिया संगत ने उन्होंने अपने हकों की राखी वास्ते बेटा थले बह जाए दंडी बढ़ता होंगे कई बार ये लड़ जाता होंगे कई बार बक्सा जाए सेवा कौम की जिंदड़ी है बड़ी औखी सेवा कौम की सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी ते गल करनिया ढेर सुखलिया ने जिन्हों ने सेवा में पैर भरिया क्योंकि जो पहला अर्ज किया कि जेडे लोग सच वालों तुरते हैं उन्होंने हमेशा फांसियां मिली ने अगर सात संगत जिक्र करिए शहीद भगत सिंह का जिक्र करिए शहीद करतार सिंह सराभा का जिक्र करिए मदन लाल ढीगरा का यहोजे हजार लख शहीद होए ने जेडे लाइम लाइट च नहीं आए जिन्होंने असी तुम सब लोग जानते हैं उन्होंने तुम्हें पता पर यहोजे बड़े शहीद हुए ने जिन्होंने अपनी कौम को सानू सब लोगों को जिंदा रखने लिए मौत को गले ला लिया गोरे लोगों ने उन्होंने बड़े लालच दिते कि तुहानू रियासतां दे देंगे तुहानू गोरियां भी दे देंगे वो कहते गोरियां नहीं सानू साडी कौम चाहिए गोलियां भावें दे दे उन्होंने फांसियां दे रस्से सात संगत चुम लै क्यों क्योंकि वो अपनी कौम को जिंदा रखना चाहते थे वो अपने पंजाब को अपने हिंदुस्तान को जिंदा रखना चाहते सी इस करके उन्होंने जिंदगी इग्नोर करके फांसिया के रस्से चुम लए तो अज के दौर के अंदर पहली गल तो साड़ियां भैणां बैठिया ने असी जो लोग बाहर जाने कि फॉरन कंट्री भावें कैनेडा हो इंग्लैंड हो अमेरिका हो उत्थे जिहड़े होटल होंगे ने फाइव स्टार उन्होंने अंदर स्विमिंग पूल भी होंगे जिम होंदियां ने कई कुछ होंगे तो असी कई बार अपने रूम चो देखते हैं कर्टन हटा के वो गोरिया गोरे तीन तीन साल के बच्चों इतने ट्यूबा पा के तो चक के पानी च मार दे ते एना वर्गिया भैन कह के ना ना पुत पानी आना जो डुब जाएगा सह बंद हो जाएगा अग के कोल नहीं जा दी भैन बच्चे को की हो जाऊगा हाथ ही सड़ जाऊगा ना तो जे तुम बच्चे पहले ही डरा देंगे भगत सिंह कितने जमूगा अपने घर तो जे कि कोई भगत सिंह जमण का प्रोग्राम बना लवे तो असं दुआ कर लग जाए दादा साढ़े ना जमे नाल जमे जम जाए बच्चों के अंदर सैल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए भैन जी ये तो मैं गुजारिश करता बच्चे के अंदर ऐसी ताकत भरो अंदर डरना होगा भगत सिंह बनेगा नहीं तो डरना ही रह जाएगा बेचारा नहीं तो फिर उन्हें काकू बन जाना है डरना ना जाएंगे एक स्थाई अंतर सुनावगा अपने हक की राखी
असी लोग बहुत पढ़ लिखे हैं पर सानू अजे तक ये नहीं पता लगा साढ़े राइट्स की ने सानू कानूनों का नहीं पता लगा अजे तक क्योंकि उतले पासे नूं असी जाणा ही नहीं चाहते जिहड़े राइट्स ने जिहड़े हक ने हिस्ट्री या दुनिया की कदे भी वह मंगिया नहीं मिलते किसी तो भी मंग लो मैनू हक दे दे मेरा मेरा नहीं दिता कोई जिहड़े हक ने हमेशा खोने पैंदे ने ते की लिखिया शायर ने जागरण की साढ़े वालों होएगी उस तो बाद तारा राणी की कथा साढ़े जोड़े संत भगत जिन्होंने तारा राणी की कथा पढ़नी उन्होंने गुजारिश करना एक बार फिर कि वो स्टेज पर आ जाए सागर जी कथा होएगी सड़े जनाब सावरकोटी जी